हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू एंड हाउ दे आर कैलकुलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो मान लीजिए कि एक पर्सन है जो मुझे कहता है कि मैम, आप या तो मुझसे 1000 रुपये अभी ले लीजिए, या फिर आप मुझसे सेम 1000 रुपये जो वो ईयर लेटर ले लेना, यानी कि एक साल बाद आप मुझसे 1000 रुपीज ले लेना। तो इन दोनों में से मैं कैसा कौन सा ऑप्शन चूज करूंगी? सो डेफिनेटली आई गो विद दिस ऑप्शन कि आप मुझे 1000 रुपीज अभी पे कर दो, रादर देन कि आप मुझे एक साल बाद पे करोगे। ऐसा क्यों है कि मैं आज का जो है वो 1000 रुपये लेने के लिए रेडी हूँ? इसके देखिए तीन रीजंस होते हैं। फर्स्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर ये 1000 रुपीज मुझे आज ही मिल जाए तो हो सकता है मैं इसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करके जो है उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकती हूँ। तो मेरे जो 1000 रुपीज मुझे आज मेरी पॉकेट में है वो एक साल बाद मेरे 1100 हो जाएंगे। तो मैं क्यों एक साल बाद 1000 रुपये लूँ? क्यों ना मैं ये 1000 रुपये अभी ले लूँ और उनको मैं बैंक में डिपॉजिट करा के 1100 रुपीज में कन्वर्ट कर लूँ। सो ऑलवेज देयर इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से हम आज की वैल्यू को ज्यादा कंसिडर करते हैं। सेकेंड रीजन इज द इन्फ्लेशन। अगर आप मुझे 1000 जो है वो एक साल बाद दोगे तो इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है जो गुड्स मुझे आज 1000 से मैं खरीद सकती हूँ उनकी फ्यूचर में वैल्यू जो है वो 1050 हो जाए। अब आप जब मुझे एक साल बाद 1000 दोगे तो वो तो मेरी रीच के बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनकी वैल्यू कितनी होगी? 1050 होगी। तो इसीलिए मैं क्या चाहूंगी कि आप मुझे 1000 रुपये अभी मुझे दे दो ताकि मैं इन्फ्लेशन को अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, उन गुड्स की वैल्यू ना बढ़ जाए। थर्ड रीजन होता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब देखिए, जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन है। आपने तो मुझे बोल दिया कि मैम एक साल बाद में 1000 रुपये दे दूंगा, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है। हो सकता है वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए और वो मुझे पेमेंट ना करे, या फिर उस पर्सन की डेथ हो जाए तो फिर वो मुझे ना पे करे, या फिर वो पर्सन अनट्रेसेबल हो जाए। अब वो पर्सन मुझे मिल ही नहीं रहा, गायब हो गया। उसने मुझे कहीं पे बोला था कि मैं पेमेंट कर दूंगा लेकिन मैं उसे ट्रेस ही नहीं कर पा रही। तो इन तीनों रीजंस की वजह से फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो मैं रिस्क क्यों लूं? अगर 1000 रुपये मुझे आज भी मिल रहे हैं और 1000 रुपये मुझे एक साल बाद भी मिलेंगे तो क्यों ना मैं वो 1000 रुपये अभी ले लूं और मैं अपने आप को इस रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकती हूं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मनी आज के टर्म्स में है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फ्यूचर वैल्यू। तो ये फ्यूचर में रिसीव होगा और ये अभी रिसीव हो रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज मोर देन द फ्यूचर वैल्यू। इसी की सेम वैल्यू से मेरे लिए प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है क्योंकि मेरे पास तीन चीजें हैं जिसकी वजह से मैं उससे 1000 रुपये अभी लेना प्रेफर करूंगी। अब देखिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। तो मान लेते हैं कि उसी सेम पर्सन ने मुझे बोला कि मैम, या तो आप मुझसे 1000 रुपये अभी ले लो या फिर आप मुझसे 1000 रुपये जो है वो एक साल बाद ले लेना। अब मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगी? डेफिनेटली अगेन ऑप्शन वन। क्यों? क्योंकि जो 1000 रुपये मुझे आज मिलेंगे उनको मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगी तो मुझे 1100 मिल जाएगा एक साल बाद। तो मैं इस पर्सन से आज के टाइम पे 1000 रुपये, मतलब एक साल बाद 1050 क्यों लूं? तो मैं तो कहूंगी आप मुझसे 1000 रुपये अभी दे दो ताकि मैं उनमें खुद इन्वेस्टमेंट करके अपनी मनी को क्या कन्वर्ट कर लूंगी, ज्यादा वैल्यू में कन्वर्ट कर सकती हूँ फ्यूचर डेट पर। तो मैं उसे कहूंगी कि आप मुझे मेरी मनी आज की ही टर्म्स में दे दीजिए। सिमिलरली अगर उस पर्सन ने मुझे एक और ऑप्शन दिया कि मैम 1000 रुपये आप मुझसे अभी ले लीजिए या फिर 1100 रुपये आप मुझसे ईयर लेटर ले लेना, अब मैं सोच सकती हूँ कि हाँ, अब आपका ऑप्शन बेटर है। क्यों? क्योंकि जो 1000 रुपये मुझे आज आप दोगे और जो 1100 रुपया मुझे एक साल बाद दोगे, तो मेरे लिए तो वैसे भी 1100 रुपये मुझे एक साल बाद ही मिल रहे थे ना। तो यानी कि मेरे लिए अब कौन सा ऑप्शन बेटर है? अब मैं दोनों में इंडिफरेंट हो जाऊंगी। अगर आप मुझे एक साल बाद 1100 रुपये दोगे तो भी ठीक है मेरे लिए, और अगर आप मुझे अभी 1000 दे रहे हो और मैं उनको इन्वेस्ट कर दूंगी बैंक में या डिपॉजिट करा दूंगी तो मुझे एक साल बाद 1100 ही तो मिलेंगे। तो मेरे लिए दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इंडिफरेंट हो जाएंगे। अब देखिए, अब समझते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या है। यहाँ पे जिस मनी की वैल्यू मैं आज की टर्म्स में बात कर रही हूँ ये होता है प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो 1000 रुपये है उनकी वैल्यू आज के टर्म्स में मेरे पास क्या है? 1000 ही तो है। लेकिन जो मनी की वैल्यू फ्यूचर में मुझे रिसीव होगी या फ्यूचर में मुझे पे करनी है, दैट इज 1100 रुपीज। अगर मैं इस 1000 को 10% पे इन्वेस्ट करती हूँ तो फ्यूचर में मुझे 1100 मिल जाएगा। तो मेरे लिए आज की वैल्यू दैट इज 1000 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू है, और इसी प्रेजेंट वैल्यू की अगर मैं फ्यूचर में वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो हो जाएगी 1100 रुपीज, क्योंकि मुझे इसमें 10% रिटर्न भी मिल जाएगा। सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी एंड दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर डेट पे रिसीव होने वाली है। तो जब भी आपको कोई अमाउंट आज की टर्म्स में बात करें, यानी कि अभी एट प्रेजेंट उसका वर्थ क्या है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू है। और सेम मनी की वैल्यू फ्यूचर पे बात की जाए, हो सकता है फ्यूचर कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, एक साल बाद, दो साल बाद, 10 साल बाद, 6 महीने बाद, तो इट कैन बी एनी डेट।
तो जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे कि फ्यूचर में आपको ये पैसा मिलेगा, फ्यूचर में आपको ये पेमेंट करनी है, फ्यूचर में आपने 6 महीने बाद इतना अमाउंट देना है, तो जब भी आपको फ्यूचर डेट की बात करेगा तो वो जो अमाउंट होगा वो आपके लिए फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है एंड आई एम 100% श्योर कि हम सब ने अपनी स्कूल लाइफ में इस फॉर्मूला को जरूर कभी ना कभी यूज किया ही होगा। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमें अमाउंट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है फ्यूचर डेट का, जिसमें कि हमें कुछ ना कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे ए जो होता है वो अमाउंट होता है, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, आर इज फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज द नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड कितना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने बोला कि अगर मैं 1000 रुपये अभी किसी को लोन पे देती हूँ और उसने मुझे बोला कि मैम मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा 1 साल बाद, तो मुझे फ्यूचर में कितनी अमाउंट रिसीव हो जाएगा? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1100 रुपीज, यानी कि आज अगर मैंने किसी को 1000 रुपीज दिया है एज अ लोन 10% के लिए, तो 1 साल बाद वो पर्सन मुझे 1100 रुपीज रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर मैंने उसे 2 साल के लिए दिया तो क्या हो जाएगा? तो ये अमाउंट डबल हो जाएगा, 11/10 और 11/10 हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे? तो इट विल बी 1:1000। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर आज आप किसी को 1000 रुपये देते हो तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100। वहीं अगर आप किसी को 1000 रुपीज देते हो 2 ईयर्स के लिए तो उसकी वैल्यू फ्यूचर में आपको कितने रुपीज देगा? वो 1:1000। तो देखिए मैंने वही लिखा है कि एट प्रेजेंट मेरे पास 1000 रुपीज है, सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। जब मैंने इसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को दिया तो वो पर्सन मुझे 1 साल बाद कितना देगा? 1100 रुपए। तो ये हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कब हो जाएगी? आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद मेरे 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 रुपए। सिमिलरली वही मैंने 1000 रुपए अगर 2 साल के लिए दिए तो मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1:1000। सो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये 2 ईयर्स के बाद जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इतनी। सिमिलरली अगर मैंने 1000 रुपीज 3 साल के लिए दिए, सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, और इस प्रेजेंट वैल्यू की 3 साल बाद फ्यूचर डेट क्या हो जाएगी? फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर डेट पर 1331। सिमिलरली अगर मैंने 1000 रुपए 4 साल के लिए दिए तो वो मुझे 4 साल के ऊपर 10% इंटरेस्ट देकर मुझे टोटल 4 साल बाद कितना पैसा देगा? 1464। तो यही होता है प्रेजेंट वैल्यू, जो आज की वैल्यू है, और फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद। दीज आर द फ्यूचर वैल्यूज। अब देखिए अगर मैं इसकी कैलकुलेशंस की बात करूं कि एक्चुअल में हम निकालेंगे कैसे प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू और फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रिंसिपल अगर आपको पता है और आपको अमाउंट निकालना है, यानी कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है और आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही फैक्टर है जो कन्वर्ट करता है, दैट इज 1+R/100 raised to the power n। इसी फैक्टर से अगर हम अपनी प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमें फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि मैं आपको 1 रुपी जो है वो लोन देती हूँ और आपने मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको वापस करना है 1 साल बाद, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस एज अ वैल्यू। अगर मैं बोलूं 2 साल बाद वापस करना है तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1.21 एज अ वैल्यू। अगर मैं 3 साल के लिए बोलूं तो दिस हो जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा आपका और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.331। यानी कि आज 1 रुपए की जो वैल्यू है वो 1 साल बाद ये हो जाएगी, 2 साल बाद ये हो जाएगी, 3 साल बाद ये वैल्यू हो जाएगी। इसी को लिए हम यहाँ पे हमारे पास एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू फैक्टर नाम का एक टेबल होता है जो आपको या तो एग्जाम में गिवन होगा दिया जाएगा ऐसा करके, और अगर आपको ये टेबल नहीं मिला तो इसकी जो वैल्यूज है वो आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है और आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो आपका जो टेबल का नाम होगा दैट इज कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ अ गिवन अमाउंट। गिवन अमाउंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू की अगर आपको कंपाउंडेड वैल्यू निकालनी है मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो ये टेबल है। अब देखिए आपने इसको देखना कैसे है, यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो कि 1%, 2%, 3% अप टू 10% है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इयर्स होते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने किसी को पैसा दिया 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद वो मुझे 1 रुपये वापस नहीं करेगा, वो मुझे 1 रुपया ये कितना है 1 पैसा वापस करेगा। सिमिलरली अगर मैंने किसी को 5% पे किसी को पैसे दिए 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद वो मुझे 1 रुपये वापस नहीं करेगा, 1 रुपये के अंदर वो 5 पैसे और ऐड करके 1.05 रुपया मुझे रिटर्न करेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने 1 रुपी को किसी को लोन दिया,
10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो एक साल बाद वो मुझे देगा 1.10। और यहाँ पे भी अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो 10% के नीचे 1.10 ही है, सो दिस इज अ पॉइंट 1.10। दो साल बाद करेगा 1.21, तो यहाँ पे दो साल बाद इसकी वैल्यू है 1.21। तीन साल बाद वो मुझे देगा 1.331, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू है 1.331। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप इस टेबल का यूज कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, आपको ये फैक्टर कैलकुलेट करने की नीड नहीं होगी। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई फैक्टर टेबल नहीं मिलता या क्वेश्चन में आपको नहीं बताता है, तो फिर आपको उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है 100/100। यहाँ पे आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे 10% है, तो आपने ऊपर 10+ कर देना है और इसको अपने प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है अगर एक साल का है तो। सिमिलरली अगर आपका 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपने लिखना है 100/100, इसमें 5 जोड़ देना है एक साल के लिए। और यही अगर आपका 2 साल है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसे 2 बार लिख लेंगे। यही अगर आपका 3 साल के लिए है, तो आप इसे 3 बार लिख लेंगे। तो ये फॉर एक साल है, ये 2 मिलके आपके 2 साल के लिए हो जाएगा, और तीनों मिलके आपके 3 साल के लिए हो जाएगा। तो आपने बस ये लिखना है कि 100/100 में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऐड कर देना है, और आपका प्रेजेंट वैल्यू सॉरी फ्यूचर वैल्यू का टेबल आपका तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है, और ये है R/100 raised to the power n। अगर मुझे ये पता है तो मैं ये भी तो निकालने के लिए आ सकता है। मुझे पता है कि फ्यूचर में कोई पर्सन मुझे 1100 रुपए देगा, तो वो मुझसे आज कितना लोन ले 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक साल के लिए, कि वो मुझे कितने का लोन ले कि वो मुझे एक साल बाद 1100 रुपए वापस कर सके। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 10/11 इंटू में 10/11 दो साल के लिए, 3 साल के लिए है तो 10/11, 4 साल के लिए है तो 10/11। तो यानी कि जो चीज आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पे आपने उसे डिवाइड कर देना है, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे अगर मैंने एक ही साल के लिए रखा, तो मैं क्या कर दूंगी, सीधा 10/11 से डिवाइड करूंगी। आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1000 रुपीज। यानी कि अगर आज कोई पर्सन मुझे एक साल बाद 1100 रुपए वापस करेगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहा है, तो आज मुझे उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 1000 रुपए। तभी तो वो मुझे एक साल बाद 1100 देगा। अगर आपको इसका शॉर्टकट देखना है तो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, अभी आपने किया था 100/100 करके ऊपर में प्लस किया था ना, अब आपने नीचे में प्लस करना है। तो नीचे में प्लस कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज फॉर 1 ईयर। अगर आपको 2 इयर्स के लिए है तो नीचे में ऐड हो जाएगा, दिस दोनों को मिला के 2 इयर्स का हो गया। 3 इयर्स का है तो 100/100 10% के लिए नीचे ऐड हो जाएगा, दिस टुगेदर जो है ये आपका 3 साल के लिए आपका टेबल बन के तैयार हो गया। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 100/100 नीचे 5+ कर दीजिए 1 ईयर के लिए, सॉल्व करेंगे आपको 1 ईयर का ये फैक्टर मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल के लिए लिया है तो 100/100 नीचे 5+ कर दीजिए, तो ये दोनों मिलके आपका 2 इयर्स के लिए मिल जाएगा। और अगर आपने 3 साल के लिए लिया है तो 100/100 नीचे 5+ कर दीजिए, ये तीनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो आपको 3 इयर्स के लिए आपका टेबल मिल जाएगा। और इसी के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है, यानी कि यहाँ पर भी एक आपके पास टेबल है जो आपको हो सकता है एग्जाम में आपको मिल जाए, जिसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। इट इज अ फैक्टर फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट। अब देखिए फ्यूचर अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर अमाउंट क्या था 1100 रुपए, तो दिस इज द फ्यूचर अमाउंट। फ्यूचर अमाउंट का आपने प्रेजेंट निकाला था ना कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो फ्यूचर अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सेम टेबल है, बस यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड यहाँ पे ईयर्स गिवन है। तो पहले हमारा टेबल दूसरा था, यहाँ पे टेबल दूसरा है, लेकिन फॉर्मेटिंग सेम है दोनों की। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या लिखा है 100/110, तो मैं इसको डिवाइड करूं अगर 100/110 तो मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है 0.909। यही जो है ये आपको यहाँ पे भी टेबल में मिल जाएगा 0.909। तो इस तरीके से सिमिलर वे से आपका टेबल तैयार किया गया है। तो आप इस टेबल को भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई आपको पैसे देगा, एक साल बाद पैसे देगा, तो आज आप उसे कितना पैसा दें, तो आपने क्या करना है सिंपल 1100 लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.909 से, तो यू विल गेट 1000 रुपीज। सिमिलरली अगर आपने बोला किसी को कि 0.826 है, तो 1100 रुपये अगर आपको मिलेंगे कोई, तो 0.826 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने बोला 1100 रुपये कोई मुझे 2 साल बाद वापस देगा, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 0.826 से। तो यानी कि अगर आज मैं आपको उसको 908 रुपीज़ देती हूँ, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस टेबल को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी कैलकुलेशंस खुद भी कर सकते हैं। तो यही होता है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, और उनको कैलकुलेट करना।